आई नो आप लोग काफ़ी बेचैन थे इस व्लॉग के लिए, यू वर वॉन्टिंग मी टू स्पीक। बट शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूंगा इसकी, देखो मुझे किसी को भी क्लैरिफाई करने की ज़रूरत नहीं है क्या सही है क्या गलत है। आप समझ सकते हो कि मेरी लाइफ जो है बहुत ही ओपन बुक की तरह रही है। लाइफ में ना मेरे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं मेरे चाहने वाले पीपल हु नो मी फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, चाहे वो मेरी फैमिली मेम्बर्स हो, चाहे वो मेरे क्लोज फ्रेंड्स हो, जो कोई भी हो। जब उन लोगों को पता है कि मैं कैसा हूँ एज अ इंडिविजुअल, अच्छा हूँ बुरा हूँ जैसा भी हूँ, बस दैट इज़ वॉट मैटर्स टू मी। और ये मेरा प्रिंसिपल रहा है हमेशा फ्रॉम डे वन। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं बहुत हेट वर्ड्स यूज़ करने वाला हूँ अगेंस्ट चारू, तो आप लोग ये व्लॉग अभी बंद कर सकते हो, क्योंकि आई एम नॉट हेयर टू गेन व्यूज और टू गेन पब्लिसिटी। आई फील देयर सर्टन पॉइंट्स दैट नीड्स टू बी आउट देयर। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि यार हमारा माइंडसेट क्या है, वॉट इज़ आर इंटेंशन बिहाइंड एनीथिंग दैट वी डू इन लाइफ, है ना। काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि इंटेंशन जो है डिफाइंस आर लाइफ इन द लॉन्ग रन। आपके अगर इंटेंशन सही है तो बाकी सब अच्छा चलता है। फॉर एग्जाम्पल आप जा रहे हो इंटरव्यू देने, जैसे चारू ने दिया, वॉट वॉज हर इंटेंशन बिहाइंड द इंटरव्यू? इंटरव्यू तो दिया, इंटेंशन बस एक ही था कि यार किसी को डिफेम किया जाए, और उन्होंने बहुत अच्छी तरह किया डिफेम। और सिंपैथी चाहिए था उनको, सिंपैथी भी मिला। माय ओनली थिंग हियर इज, मैं अच्छा हूँ बुरा हूँ वो तो बाद में बात करेंगे, बट मुझे ये लगता है एज ए इंडिविजुअल, और ये मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा कि चारू ने ये बहुत बड़ी गलती की ऑफ गोइंग टू द मीडिया एंड टॉकिंग अबाउट आर पर्सनल मैटर्स। बिकॉज यार क्या होता है, लॉजिकली अगर आप देखें, वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, वी डू गेट हर्ट। ऑफकोर्स मैं ज़रूर मान सकता हूँ कि चारू को भी हर्ट हुआ है, और कहीं ना कहीं शी वॉन्टेड टू एक्सप्रेस इट आउट, बट वाइल डूइंग सो यू डोंट नीड टू गो टू द मीडिया एंड डू इट। अगर आपको कोई चीज़ बॉदर कर रहा है एक्स वाई जी, तो उसके लिए 10 चीज़ें आप यू नो कर सकते हो। यू कैन टॉक टू योर फैमिली मेम्बर्स, यू कैन डू काउंसलिंग, यू कैन डू 10 अदर थिंग्स। मीडिया में जाके किसी को डिफेम करना, वो भी इस तरह, आई डोंट थिंक इट सॉल्व्स एनीथिंग। व्हेन वी गो टू द मीडिया, हम जब किसी के बारे में कोई चीज़ बुरा बोलते हैं, स्पेशली जब हम इंटरव्यू देते हैं किसी के बारे में, और उसके बारे में बहुत कुछ यू नो बोला जाता है, वो ऐसा है वैसा है, तो एंड रिजल्ट क्या आता है? व्हाट इज़ द एंड रिजल्ट? थिंग्स बिकम बैड टू अस। लोग हंसते हैं कि यार ये चीज़ें तो प्राइवेट मैटर्स हैं, ये लोग बाहर जाके वो भी खुलेआम यूट्यूब में जाके इंटरव्यू दे रहे हैं। अब आप मुझे ये बताओ, आपके घर में प्रॉब्लम चल रहा है, कुछ भी हो, छोटा हो या बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो, तो आप मीडिया के पास जाओगे? तो क्या मीडिया सब कुछ सॉल्व कर देगी? आई डोंट थिंक सो। एक मजाक बन जाता है और कुछ नहीं। मीडिया इज़ नॉट अ डॉक्टर और अ हीलर दैट वो सॉल्व कर देगा और आपको कि आप पेशेंट आए हैं जी ये दवाई लो और आप ठीक हो जाओगे। नहीं, मीडिया इज़ अ पब्लिक प्लेटफॉर्म जहाँ पे घर की बातें नहीं किया जाती। आई अंडरस्टैंड कि चारू बहुत ही ज़्यादा इमोशनल लड़की है, और उसने बिना सोचे समझे उसने ये इंटरव्यू दे दिया, बट इसके जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं वो उसी को ही हॉन्ट करेगी, वो करेगी। बिकॉज देखो यार, मेरे इंटेंशंस क्या हैं? ऑफकोर्स आई एम ए ह्यूमन बींग, ऑफकोर्स आई हैव मेड मिस्टेक्स। मैं कभी नहीं बोलूंगा कि यार मैं बिल्कुल सही हूँ और चारों बिल्कुल गलत है या वो बिल्कुल गलत है। नहीं यार, एवरीबडी मेक्स मिस्टेक्स, एवरीबडी इज ह्यूमन बींग, वी आर नॉट परफेक्ट। ये बचपना था ऑफ चारू ऑफ गोइंग एंड गिविंग दिस इंटरव्यू, बिकॉज आई फील शी वॉन्टेड समथिंग आउट ऑफ इट। काफ़ी हद तक उसको वो चीज़ मिला, बट आने वाले टाइम में, चाहे वो 6 months, 1 year, 2 years, 3 years, उसके बाद क्या, थिंग्स मूव ऑन यार, एवरीबडी मूव्स ऑन। दो चीज़ें होती हैं, आपको किसी के साथ नहीं बन रहा, या मान लो वो आपके हस्बैंड हो,
अगर आपको डाइवोर्स लेना है तो रिस्पेक्टफुली उसको क्लोज करो, या शादी को आपको वर्कआउट करना है तो उसको वर्कआउट करो, बीच में तो कुछ भी नहीं है. बट टू डिफेम एंड टू हिट समबडी लाइक दिस बिलो द बेल्ट, ये चीज़ जो है बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल लगा मुझे. बिकॉज यू नो आई कम फ्रॉम अ फैमिली वेयर आई बीन एक्सट्रीमली ट्रांसपेरेंट. मैं जो अंदर हूँ मैं वो बाहर हूँ, देर इज नथिंग एल्स टू इट. आप लोग मेरे व्लॉग्स देखते आ रहे हो इतने लंबे समय तक, कुछ ना कुछ तो आइडिया आपको मिल ही गया होगा कि राजीव कैसा है. उस दौरान मैंने बहुत सारे व्लॉग्स बनाए चारों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, चाहे वो दुबई में हो, बॉम्बे में हो, दिल्ली में हो, एंड वी ऑल सेलिब्रेटेड टुगेदर, है ना. आई वॉज एक्सट्रीमली हर्ट विद वॉट हैपेंड बिकॉज मेरे जो प्रीवियस रिलेशनशिप भी हुए हैं, यू नो बिफोर मैरिज, नोबडी इज डन लाइक दिस, नोबडी इज स्पोकन इल अबाउट मी इन सच अ बैड वे. मैं कभी कभार यार मैं अपने आप से पूछता हूँ कि यार क्या मैं इतना बुरा आदमी हूँ. आप लोगों ने तो बहुत जल्दी जज कर लिया मुझे, काफ़ी हद तक मोस्ट ऑफ यू गाइज आउट देयर, कि राजीव ऐसा है, ही इज अ नार्सिसिस्ट, ही इज अ चीटर वगैरह वगैरह, ही इज अब्यूजर, वो तो भाग जाता है यहाँ वहाँ. यू नो इफ आई टॉक अबाउट सो मेनी थिंग्स शायद ही पूरी रात निकल जाएगी. भाग में नहीं रहा हूँ, अगर आप रियलिटी में देखें काफ़ी चीज़ें बाहर आई, जैसे कि मैं पूरे लॉकडाउन में चारों के साथ नहीं था. अगर आप मेरे 2020 के सारे व्लॉग्स देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं कहाँ पे था. आई वॉज वेरी मच इन बॉम्बे. मैं निकलूँगा तो तभी ना जब फ्लाइट्स खुलेंगी, जब दुनिया खुलेगी. एवरीथिंग वॉज शट डाउन वेन द लॉकडाउन वॉज फाइनली ओवर, तो तभी मैंने जाके फ्लाइट लिया एंड आई वेंट टू दिल्ली बिकॉज मेरे को 10 काम थे वहाँ पे, मेरे 10 चीज़ें वहाँ पे पेंडिंग थे. बॉस रियलिस्टिकली आप किसी को बोलो कि यार आप 24 घंटे रहे आपके साथ और आपको वैसा ही करना है जैसे मैं चाहती हूँ, तो वो किसी के साथ वर्कआउट नहीं करता है. पीपल हैव टू गो, पीपल हैव टू ट्रैवल. फॉर एग्जाम्पल इवन इफ आई हैव गॉन एट टाइम्स बिना बताए चलो कि मैं निकल गया जी, कल झगड़ा हुआ, नेक्स्ट डे बोलने की इच्छा नहीं हुई कि मैं जा रहा हूँ. मे बी दैट इज रॉन्ग इन माई पार्ट, बट आई वेंट फॉर फ्यू डेज, नॉट फॉर मंथ्स. उसी तरह शी ऑल्सो लेफ्ट मी सो मेनी टाइम्स विदाउट इवन टेलिंग मी. आप लोगों को जितना लगता है कि मैं उसे छोड़ के मैं निकल गया, उससे कहीं ज़्यादा चारों निकली है, लोकली ऑल्सो एंड आउट स्टेशन ऑल्सो. कि बॉस मुझे ये सब नहीं बोलना आप लोगों को कि यार चारू जिसने अपनी मम्मी को रिस्पेक्ट नहीं किया, अपने सिस्टर को रिस्पेक्ट नहीं किया, वो मुझे क्या रिस्पेक्ट करेगी वगैरह वगैरह, मुझे ये सब नहीं बोलना है बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू गेट इन टू द डेप्थ ऑफ इट. प्रिटी मच आप लोगों को पता है क्या हुआ था, क्या हो रहा है या क्या हो चुका है. बस ताली एक हाथ से नहीं बजती है ना, कभी नहीं बजती. एवरी कपल हैज़ प्रॉब्लम्स. कोई लोग नहीं बोलते हैं, कोई लोग स्टूपिड होते हैं हम लोगों की तरह जो पब्लिकली बोलना पड़ता है. एवरी रिलेशनशिप हैज प्रॉब्लम, बेस्ट रिलेशनशिप हैव प्रॉब्लम्स. काफ़ी कपल्स के बीच में प्रॉब्लम्स होती है, बट दे कॉम्प्रोमाइज, दे हैव टू कॉम्प्रोमाइज, देर इज नथिंग एल्स टू इट. यू नो ये कोई वन वे ट्रैफिक नहीं है कि आप मेरी बात सुनोगे, नहीं नहीं आप मेरी बात सुनोगे. नो वन इज हेयर टू मेक यू हैप्पी, नो वन इज हेयर टू मेक यू हैप्पी द वे यू वॉन्ट इट. वेन द एक्सपेक्टेशन राइजेस Disappointment follows. तो मैंने अक्सर देखा है even in my friend circle, a lot of people who are going through tough times, कि बहुत problems हुई हैं शादी में, but they still survived it and now they are so well settled and happily married with 2 or 3 children, you know. तो वो कैसे हो गया? Couple compromised, they adjusted. जितना मर्जी पंडित को बुला लो, कुंडली मैच करा लो, No two people are alike. मानते हो ना मेरी बात? थिंकिंग अलग होती है, उनकी लाइफ स्टाइल्स अलग होते हैं, उनकी अपब्रिंगिंग अलग होती है. No two people are alike. तो जब हम दोनों साथ में रह रहे हैं या कोई कपल साथ में रह रहे हैं तो गुड टाइम्स आएंगे तो झगड़े भी आएंगे, पर वो झगड़े को जितना जल्दी सॉल्व करके हम लोग
पॉजिटिव वे में जाए आगे, मैंने तब भी काफी एडजस्ट किया, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं किया है. स्पेशली व्हेन जियाना केम इनटू द पिक्चर, देयर वर काउंटलेस आवर्स दैट आई सैट विद चारू एंड आई डिस्कस्ड विद हर कि चारू, इट्स नॉट अबाउट यू और मी, इट्स नॉट अबाउट व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग. वी हैव टू बी देयर फॉर जियाना. जियाना को आए हुए अभी एक साल ही हुए हैं, बैग्स पैक के निकल गए. मैंने चारू को बोला, पैकिंग योर बैग्स एंड लीविंग द हाउस, इट इज नॉट अ शो ऑफ स्ट्रेंथ. आप खुद तो निकल ही रहे हो, आप अपने बेबी को लेके जा रहे हो दूर, टेकिंग हर अवे फ्रॉम द फादर. और दैट इज वेयर द प्रॉब्लम स्टार्ट्स. जिंदगी बहुत छोटी है बॉस, कल का कोई गारंटी नहीं है. कल का कोई गारंटी नहीं है कि कल का दिन कैसे आने वाला है, कैसे जाएगा, क्या हम बचेंगे भी कि नहीं. वन ऑफ दोज डेज कि हम लोग ओल्ड एज में मरेंगे. जब लाइफ इतनी छोटी है, कल का कोई गारंटी नहीं है, व्हाई टू स्पॉइल टुडे. चारू के पास सब कुछ है आज, एंड येट शी वॉन्ट्स टू लूज एवरीथिंग बिकॉज ऑफ हर वे ऑफ थिंकिंग, बिकॉज ऑफ हर टेम्परमेंट, बिकॉज ऑफ हर इमोशंस. सो आई फील हम सब में इमोशंस हैं यार, यू नो, किस में नहीं है. बट टू गेट इन टू इट सो मच दैट विल इवेंचुअली हार्म यू ओनली, तो फिर क्या फायदा. हम लोगों ने एक दो बार चांस दिया, वेरी गुड, कोई बात नहीं, दो तीन बार और चांस देंगे एक दूसरे को. तोड़ना तो यार ईजी है, एक मिनट लगता है इन अ रिलेशन तोड़ना. और अनफॉर्चुनेटली कभी कभार अगर आप इस तरह तोड़ना चाहोगे कि आप पब्लिकली किसी को ह्यूमिलेट करते हो, देन दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल. यू नो, वर्स्ट केम सिनेरियो क्या है, आई विल यू नो हायर माई लॉयर्स, चारू विल हायर हर लॉयर्स, वी विल हैव अ वेरी अगली डाइवोर्स, बच्चे का कस्टडी यू नो अलग. हु इज बेनिफिटिंग द लॉयर्स, दे विल बी मेकिंग द मनी, एंड वाई नॉट, दैट इज देयर जॉब. वेयर अगर आप लॉजिकली देखें, किसी को खत्म ही करना है तो रिस्पेक्टफुली करें, जो हम करने वाले थे ऑन द 31st of August, पर हम दोनों नहीं कर पाए बिकॉज यार ऑब्वियसली प्यार तो था ना. इट्स नॉट ओनली अबाउट जियाना. सी टुडे इफ चारू इज बींग सो इमोशनल एंड क्राइंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, पब्लिकली टॉकिंग लाइक दिस, द गुड पार्ट That somewhere she loves me so much. तब प्यार तो करती है ना मुझसे, तभी तो इतना उसको, she is getting so much of emotions. That's the reason she is so angry with me. अगर प्यार नहीं होता इतना तो फिर cold blooded होता है ना, divorce होता, हाँ शायद 10 गालियां अपने मन में बोलती, पर publicly किसी को you know, humiliate नहीं करती. ठीक है, you know, we understand that we are human beings, we get extremely emotional. Believe it or not, जो चारू ने जो इंटरव्यू दिया है मैंने 10 सेकेंड भी नहीं देखा. एंड जो भी मुझे पता चला कि उसने क्या क्या बोला है इज थ्रू मैसेजेस एंड थ्रू माई फ्रेंड्स हु हैव वॉच्ड इट, एंड दे टोल्ड मी कि उसने क्या क्या बोला है. लॉट ऑफ माई पॉलिटिशियन फ्रेंड्स इन दिल्ली, माई स्कूल फ्रेंड्स, my best friends jo mere close hain, they saw the interview and they said, Rajiv, take action against this man jisne interview liya charu ka. Don't spare him, send him a legal notice, ek defamation case thok de uske upar, and then just get after him. Maine bola nahi, because when you see the bigger picture guys, वो तो अपना काम कर रहा है. उसने मैसेज किया चारू को कि इंटरव्यू करना है, चारू ने बोला हाँ. सिद्धार्थ के मैनेजर ने मुझे भी मैसेज किया था, और ये अभी की बात नहीं, 2-3 महीने पहले भी किया था, जब मेरा चारू के साथ पहले भी झगड़ा चल रहा था कि सर आपको आना है तो प्लीज़ आप सिद्धार्थ कनन के शो में आके आप इन्हें इंटरव्यू दीजिए. गलती सिद्धार्थ की नहीं है बॉस. सो टुडे I send him a legal notice. How dare he do this? Notice jayega? Legal notice jayega? Only difference is
कि लीगल नोटिस से ज्यादा वो ईगो नोटिस होगा. यू गेटिंग माय पॉइंट? सो व्हाई टू हैरेस समवन व्हेन आई हैव पर्सनली नथिंग अगेंस्ट हिम एंड ही ऑल्सो हैज नथिंग अगेंस्ट मी. ही इज जस्ट डूइंग हिज जॉब. उसका काम है. अगर आप ओवरऑल पिक्चर देखेंगे अबाउट दैट इंटरव्यू, इफ एनीबडी हैज बेनिफिटेड आउट ऑफ इट, इट इज मिस्टर सिद्धार्थ करण. ठीक है, उसका काम है. तो मैं अपना ईगो अगर मैं लेके आऊं सामने और जस्ट टू टीच हिम अ लेसन, दैट इज नॉट फेयर गाइस. दैट इज वेयर आई थिंक जनरली पीपल गो रॉन्ग. कि ईगो में ही इतना कुछ हम लोग कर जाते हैं एंड दैट इन टर्न कैन हार्म यू 10 times मोर बैकवर्ड्स. हमेशा याद रखना, आप चाहे कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, आई एम टेलिंग यू गाइस, मैं चाहता तो आई कुड हैव डन सो मच लीगली विद मिस्टर कनन. यू नो आई एम नॉट अ नोबडी दैट यू गोना कम एंड जस्ट वॉक ओवर मी, है ना. बट आई एम सेंसिबल इनफ टू अंडरस्टैंड कि ये क्यों हुआ है. सो इफ आई से यस टू इंटरव्यू, तो वो तो मैंने यस बोला है ना. नोबडी फोर्स मी टू डू इट. सो चारू ने हाँ बोला. चारू ने बोला ठीक है मैं जाऊंगी. और मैं जो बोला सो बोला. इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मी टू फॉरगिव चारू व्हेन इट कम्स टू व्हाट शी हैज सेड एंड डन. बट समवेयर आई फील दैट आई स्टिल फील चारू हैज अ गुड हार्ट जस्ट लाइक मी. उसका दिल अच्छा है, दिल साफ है. थोड़ी सी मिसअंडरस्टूड है, नॉट ओनली इट्स विथ मी बट विथ एवरीबडी एल्स अराउंड हर. देखो गाइज, आई हैव नोन चारू फॉर 3 years ओनली. यू नो इट्स नॉट दैट आई हैव नोन फॉर 20 years, 30 years. काफ़ी बार तो मैंने ये भी सुना कि यार एनी मैरिज स्टार्ट सेटलिंग आफ्टर 3-4 years ऑफ बींग मैरिड, यू नो. सो मेरा चारू के साथ अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम रहा है. देर हैज़ बिन गुड डेज विच हैज़ बिन ओवर शैडोड बाय आर बैड डेज अनफॉर्चुनेटली. पर मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि यार गुड डेज जब आए थे तो बहुत एक्सट्रीम में गए थे. वी वर द हैप्पीएस्ट कपल इन द वर्ल्ड. बैड डेज आए तो वो भी एक्सट्रीम में गया. और मेरा ये भी मानना है कि अगर चारू कभी मीडिया से बात नहीं करती, चाहे वो छोटी सी इशू हो या बड़ी सी इशू हो, तो ये आज का ये दिन बहुत ही डिफरेंट होता आज. मैंने ऑलवेज आई हैव सेड दिस दैट आई हैव नेवर स्पोकन टू द मीडिया फर्स्ट, बट एज ए इंडिविजुअल यू हैव एवरी राइट टू डिफेंड योर सेल्फ. वो आप करिए. चाहे आपका कोई भी लीगल मैटर चल रहा हो, चाहे आपका कोई कॉर्पोरेट केस चल रहा हो, बिजनेस का केस चल रहा हो, could be any legal case, but every individual has a right to defend. Mera bas ye hai ki Charu ka ye childish habit of speaking to the media and then speaking sometimes a little too much will only and only harm her and no one else. Believe it or not, I have been so careful with handling the situation at times, especially when Ziana has arrived, because I understand if I get too tough on Charu. And please understand this, that I can also say a lot of things, you know, but it'll affect her. In turn, it'll affect Ziana, because Ziana is staying with Charu. She packed her bags and left. Charu, darwaza आज भी आपके लिए खुले हैं. यू वांट टू कम बैक टू योर फैमिली, कम बैक. दैट इज वेयर यू बिलोंग, दैट इज वेयर ज़ियाना बिलोंग्स. वो ज़ियाना का घर है. एंड टुमारो, गॉड फॉरबिड, नथिंग वर्क्स आउट, लाइफ विल मूव ऑन. लाइफ इज अबव एवरीथिंग एल्स गाइस. एंड मैं रिपीटेडली बोल रहा हूं कि लाइफ इतनी छोटी है. आई एम शॉक्ड. देखो, हम लोग तो जो आप लोग देख रहे हो अभी, आपको
पता है इन्हें पब्लिक प्लेटफॉर्म की क्या चल रहा है पब्लिकली चारू और राजीव के बीच में. बट व्हेन आई सी माय फ्रेंड्स, व्हेन आई सी माय क्लोज फ्रेंड्स, दे आर सफरिंग अ लॉट मोर. ओनली डिफरेंस इज दैट उनकी चीजें बाहर पब्लिकली नहीं आ रही है. बट लाइफ इज टफ, लाइफ इज नॉट ईजी, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस. ताली एक हाथ से नहीं बजती, आपको कभी भी क्लीन चिट नहीं मिलेगा. आप चाहे जितना भी रो लो कैमरा के सामने, जितना भी सिंपैथी गेन कर लो, और कुछ वक्त तक शायद आप सक्सेसफुल भी हो जाओ, दूसरे को नीचे दिखाकर आप कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकोगे. स्पेशली व्हेन इट कम्स टू योर हस्बैंड, वाइफ, मदर, फादर, सिस्टर, दे आर योर ओन ब्लड, दे आर योर ओन फैमिली. मैं आज मेरा सलाम है उन कपल्स को जिनकी नहीं चली, बट रिस्पेक्टफुली दे पार्टेड वेज. एंड आई स्टिल फील चारू और मेरा मैरिज कैन स्टिल बी सेव्ड, प्रोवाइडेड दैट देर हैज टू बी अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर. नॉट लाइक दिस बॉस, यू कांट ह्यूमिलेट समवन लाइक दिस. पब्लिक प्लेटफॉर्म में जाके किसी को ह्यूमिलेट करना एक चीज है, मजाक बनाना दूसरी चीज है. एंड देन यू आर सेइंग दैट माय डिवोर्स हैज बिकम अ नेशनल जोक. हाउ कम इट हैज बिकम अ नेशनल जोक एंड हाउ? थिंक अबाउट इट, हु इज स्पीकिंग टू हूम? मैं आपको बताता हूँ, मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है, ही वॉज गोइंग थ्रू अ वेरी बैड फेस इन मैरिज. मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा ऑब्वियसली, बट मेरे पास आया, कहता है राजा, राजा, यू नो राजा इज माई घर का निकनेम. राजा आई हेट, आई वांट टू डिवोर्स राइट नाउ, नाउ क्या समझते अपने आप को, ब्ला ब्ला ब्ला. तो मैंने बोला चिल, चल बाहर चलते हैं कॉफी पीते हैं. क्या बात कर रहा है यार, तो मैं इतना सीरियस हूँ और तेरे को यू नो कॉफी की पड़ी है. एनी वेज, वट एवर इट इज, आई टुक हिम फॉर अ कप ऑफ कॉफी एंड आई काम्ड हिम डाउन. दो दिन के बाद मैंने फोन किया उसको, क्या चल रहा है? आई डोंट लाइक हर एनी मोर, आई जस्ट डोंट लाइक हर. So from hate, it has come down to like. Very good. Improvement हो रहा है. दो दिन के बाद फिर से फोन किया, बॉस क्या चल रहा है? कुछ नहीं यार, बाहर आया हूँ, थोड़ा घर के लिए थोड़ा सब्जी और थोड़ा राशन लेने आया हूँ. मैंने कहा अरे वाह, वेरी गुड. तो उसका मतलब वाइफ ने कुछ मंगाया होगा, तो इसलिए आप यू नो बाहर आए हो मार्केट में सामान लेने. वेरी गुड, थिंग्स वर लुकिंग अप. फिर दो दिन के बाद मैंने फिर फोन किया, बॉस क्या चल रहा है? कुछ नहीं यार, मैं थोड़ा वाइफ के साथ बाहर आया हूं कॉफी पीने. द पॉइंट हियर इज, मैं उसको अगर फर्स्ट डे में उसको और प्रोवोक कर देता, द वेरी फर्स्ट डे व्हेन ही केम टू मी दैट ही जस्ट वांटेड टू गिव हर अ डिवोर्स देन एंड देन, स्पीक टू हिज लॉयर्स, सेंड हर अ नोटिस, ब्ला ब्ला ब्ला, ही डजंट वांट टू सी हर फेस. I could have easily told him, yes, now you're my best friend. बिल्कुल बिल्कुल सही कर रहा है तू. देखो मैंने बोला ही था कि ये शादी वादी में कुछ भी नहीं रखा है, कर दे उसको डाइवोर्स. थिंग्स वुड हैव बीन अ लॉट वर्स फॉर हिम बिकॉज मैं उसका बेस्ट फ्रेंड हूँ. उसको मैंने और प्रोवोक कर दिया और वो जाके शायद और ड्रास्टिक मेजर्स में जाके वो और गलत चीज़ें करता. इन द अदर हैंड, I will not take any credit, but I calmed him down. और समय के साथ सब कुछ ठीक हो गया. When somebody goes to that level of madness, disconnect from the world, not connect. क्योंकि अगर आप disconnect, मतलब क्या, ये नहीं कि आप disconnect करो अपने family members से. Talk to your family members, talk to the people that who love you. But to pick up a call and say, yes, I'm coming for the interview. Intention behind that interview is not the interview. To defame someone, to put somebody down, is something which is not acceptable for anybody, for any individual in this world. Aap samajh rahe ho meri baat? Lastly, before I go, kyunki itni hatred aayi meri taraf, mujhe comments sare band karne pade. मैं आपके व्लॉग में या मैं आपको कोई चीज़ बुरा नहीं बोलता, तो मैं आपकी क्यों सुनूं?
आप तो मुझे पर्सनली जानते भी नहीं हो। काफ़ी लोग मेरे व्लॉग्स को देख के जानते हैं मुझे, या तो चारू के व्लॉग्स को देख के जानते हैं, या तो चारू ने क्या बोला आप उस को देखने के बाद आप मुझे जज कर रहे हो और दुनिया भर की चीज़ें बोल रहे हो मुझे। तो मैं कमेंट सेक्शन क्यों नहीं बंद करूँगा बॉस? इट्स माई राइट, दैट इज़ द रीज़न यूट्यूब हैज़ गॉट दिस थिंग कि यू गॉट द ऑप्शन ऑफ स्विचिंग ऑफ द कमेंट्स, बिकॉज we live in a world unfortunately that these things happen. When things settle again, comment section will be on again, because mujhe pata hai mere kafi sare jo mere well wishers hain jo abhi hain chahe thode se kam ho gaye honge, but they're still there, they still love me like they have loved me before. They miss commenting on my vlogs or on my Instagram pictures. So comment section will be back again very soon, provided that you guys respect every individual, यार दुनिया बहुत छोटी है and life is very short. You know, आप जितना आप hate दोगे किसी को उतना ज़्यादा आपको hate मिलेगा वापस, कहीं ना कहीं से आपको दुगना मिलेगा. Don't judge, मैं हमेशा बोलता हूँ don't judge the book by its cover, don't judge any individually. मैं सिर्फ अपनी बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी हो. She has always initiated everything first, चाहे वो divorce हो, चाहे वो घर छोड़ना हो, चाहे वो मुझे defame करना हो. But I feel we have a little child, and still I feel that if she feels that I'm the bad, I'm the worst person on this earth, then at least for nothing else, part ways in a respectful manner. Whereas when we do that, then as parents, jo hua wo to hua, but as parents we are always there for Ziana. I think that is a bigger picture here. Main ye bhi clear karna chahunga, वैसे media ko maine bol diya hai, pata nahi wo twist and turn karke cheeze dal dete hain regarding Karan Mehra. Personally I don't know him, I've never met him. I absolutely sympathize with the guy because he's pretty much going through as what I'm going through now. We both have been the victim. Ek voice note aaya tha, voice note mein bola gaya tha ki ek reel ban raha hai jahan pe Charu aur Karan romance kar rahe hain. To yahi cheez maine media ko bataya, voice message bhi sunaya. To अब मैंने अफेयर तो बोला नहीं, आई नेवर यूज द वर्ड अफेयर, आई गिव द इंटरव्यू टू एच टी सिटी. अब उन्होंने ट्विस्ट एंड टर्न करके अफेयर डाल दिया जस्ट टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग, एंड दैट इज रॉन्ग. आई फील दैट इज वेरी वेरी रॉन्ग, बिकॉज द अदर पर्सन, आई डोंट नो आर्टिकल में एग्जैक्टली क्या लिख के आया था, बट वो अफेयर वर्ड लिख के आया था विच इज़ रॉन्ग. और मैंने तुरंत मैंने स्ट्रेट अवे आई कॉल अप द मीडिया अगेन, आई कॉल अप टाइम्स ऑफ इंडिया दिस टाइम, आई सेड लाइक यू नो दिस इज एब्सोल्यूट क्रैप, आई नेवर यूज द वर्ड अफेयर. मैंने बल्कि स्क्रीनशॉट भी भेजा कि दिस इज व्हाट एग्जैक्टली व्हाट आई हैड टोल्ड टू द एसटी पर्सन गाय, एंड बट ही ट्विस्ट एंड टर्न एंड देन ही सेड दैट इट्स एन अफेयर विच इज रॉन्ग, यू नो. एंड और ये पहली चीज, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि उन्होंने रील बनाया है या वो रोमांस कर रहे थे, जो मेरे को वॉइस मैसेज आया था वही मैंने सुनाया. तो ये है गाइस, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर. आप लोगों ने फोटो से देखे हैं दैट फर्स्ट ऑफ नवंबर वाज माय डॉटर्स बर्थडे, एंड कीपिंग एवरीथिंग असाइड, बोथ मी एंड चारू वी वर देयर फॉर आवर डॉटर्स बर्थडे, और बहुत खुशी खुशी हम लोगों ने केक काटा. एंड आई सॉ चारू ऑल्सो बींग सो हैप्पी एंड बींग पॉजिटिव दैट आई फेल्ट गुड कि यार Rene was there, you know, Lisa was there, my father was there, my mother was there, so we were all there together, you know, bringing in Ziana's birthday. So mujhe wo cheez bahut acha laga ki yaar wow, you know, that we are there, making sure that I made sure that no matter how difficult it was, but I'll definitely go and be there for my daughter's birthday. I saw Charu, we were very much cordial with each other. Baki to aap logon ne pictures aur videos mein dekha hi, vlogs mein. But what really hit me was the very next day, the interview came out, and that really shook me up, because yaar,
First of November, she came and she was absolutely normal, like nothing was wrong. इसका मतलब she had already given the interview before the birthday and she made sure that कि वो interview first of November में ना आए, second को आए या third को आए, जो भी है. I thought that was quite bizarre because I had no clue what was going on. You know, as a father, I went there in a positive frame of mind to bring in my daughter's birthday. Or fir, and I saw Charu also being very happy, being cheerful with everybody. And then the very next day, part one came in. Uske baad part two came in. The only thing is, no matter how many part three, part four, part five you guys make, it doesn't solve anything. Thank you for listening to me. मुझे पता है आप लोग काफ़ी मेरे इस व्लॉग का वेट कर रहे थे. आई जस्ट फेल दैट यू नो आई वॉज नॉट इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड बिफोर टू गिव टू टॉक टू द कैमरा एंड स्पीक व्हाट आई हैड टू स्पीक. एंड सेकेंडली आई डोंट नीड टू गो एंड गिव इंटरव्यूज टू प्रूव माई पॉइंट. आई डोंट हैव टू प्रूव टू नो बडी इन दिस वर्ल्ड और ना मुझे किसी को क्लैरिफिकेशन देनी है. बट जो गलत है उसके बारे में उसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है. एंड इट्स नॉट ओनली जस्ट फॉर माई मैरिज और फॉर माई फैंस और फॉर द पीपल हु फॉलो अस. सिंस आई एम अ इन्फ्लुएंसर एंड सिंस आई मेक व्लॉग्स और मुझे ये अच्छी तरह पता है दैट काफ़ी बच्चे भी देखते हैं मेरे व्लॉग्स. पीपल एट द एज ऑफ 14, 15, इवन यंगर दे वॉच माई व्लॉग्स. And I don't want to put a wrong message outside, you know. And pehli baat, ghar ki baatein ghar pe honi chahiye. It should not go out. No one has the right to defame anyone. You might hate that person. You might not like that person. Let go. Do not put anybody down like this. Yeah. You know, karma is one. But I just feel that it comes back in many folds back into your life with a vengeance. कि ये चीज़ जो आपने किया किसी को ऐसा नीचा दिखाना बहुत ही गलत है. और मैं ये जितने भी कपल्स देख रहे होंगे स्पेशली जो भी झगड़ा हो और अगर आप लोगों ने मन भी बना लिया है कि आपको नहीं रहना है तो पार्ट वेज पीसफुली रिस्पेक्टफुली इज व्हाट आई वुड से. डोंट डिफेम ईच अदर और डोंट डिफेम एनीवन लाइक दिस बिकॉज in the long run, it will only and only haunt you and no one else. Bahut bahut dhanyawad.